हेलो, मैं कृष्णा कुमार भियली सीएससी भियली बोल रहा हूँ। आप सभी सभी भियली भाइयों को और जिला की टीम के अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, दादे श्याम सर को, स्वाति मैडम को, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिनेश त्यागी सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिहार टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर हम 8 तारीख को कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुए और आज तारीख हो गया सर 22 और हमारा सीरियस बहुत ख़राब है। सदर अस्पताल में हम भर्ती रहे, वहाँ से हमको रेफ़र कर दिया गया मेरे स्थिति को देखते हुए। सर हम ECI में काम किए हैं, 4500 काम किए हैं ECI में। मेरा CSC ID है 233-535657-00016, कृष्णा कुमार, विष्णुपुर चांदनी चौक, बेगूसराय। सर हम ICU में देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहे हैं। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि अब हम हॉस्पिटल का खर्चा उतार सके। और सर हमारे यहाँ जो भी लड़के लोग काम किए हैं उनका पैसा हम लोग से कर्जा लेके दिए हैं। घर भी गिरवी है आज, 1 रुपये का मेरे पास क्षमता नहीं है। अब हमारे पास जीवित रहने का भी, जीविकोपार्जन का भी क्षमता नहीं है और अब डॉक्टर भी यहाँ से मना कर दिया है। हमको बहुत ही जल्दी से जल्दी कुछ सहायता चाहिए, पैसा का चाहिए। जो हम काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं, जो रुपये लगाए हुए हैं, 4500 आदमी का गांव, हर गांव गांव जाके सर जानते हैं, मैडम जानती हैं, घर घर जाके जनगणना किए हैं, उसमें मात्र 30% 40% रुपया मिला है और बाकी सब मेरा 2800 के आसपास SL2 का पेंडिंग है पड़ा हुआ। कृपया करके हमको पैसा दिला दीजिए। अब हम जिएंगे कि मरेंगे हमको ये पता नहीं है। अब पैसा डिजी वॉलेट में आएगा कि अकाउंट में आएगा, क्या आएगा, हम वो पैसा निकालने के लिए भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको पता नहीं है। कृपया करके हमको मेरा पैसा आज से कल तक दिला दीजिए, जो कम से कम अपने आँख से हम देख लें कि हमने इतना काम किया और हमको 5 लाख का काम किए और हमको 5 लाख रुपया मेरे खाता में आया। कम से कम देख के भी जो हॉस्पिटल का कर्जा है हम उतार पाएँ, उतार दें। हॉस्पिटल का फीस मेरा 1,20,000-30,000 रुपये का भी आया हुआ है, जो भी मेरे पिताजी मार्केट से कर्ज लेके दे रहे हैं। मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी है। हम ये जीवन करके अमृत इंग्लिश धारा के पास एक है, वहाँ पे भर्ती है, अमृतमयी करके एक निजी संस्थान में मेरा इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन पाइप आप देख रहे हैं, ये नाक में इंसुलेटर ये लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत हम 8 से ही भर्ती हैं और हमारे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा सांस ऑक्सीजन का लेवल हमेशा गिर जाता है, अभी भी नाक में लगा हुआ है तो 50 है और उसके बाद ये ऑक्सीमीटर देखिए, इस पर हम आपको दिखाते हैं, नाक से खोलेंगे ये 50 हो जाता है। तो हमको पता नहीं हम कब तक जिएंगे नहीं जिएंगे। कृपया करके हमको पैसा दिला दीजिए, मेरे घर वालों का कर्ज तुड़वा दीजिए। धन्यवाद।